श्योपुर शहर में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने एक मोबाइल की दुकान पर जमकर उत्पात मचाया और बेखौफ होकर मोबाइल शॉप के भीतर घुसकर दुकान के संचालक से पहले मारपीट की और लाठी डंडों से दुकान के संचालक पर हमला करते हुए दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर दी। मोबाइल संचालक पर हमला करने वाले आधा दर्जन युवक चेहरे पर नकाब लगाकर लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे। मोबाइल संचालक पर हमला करने की घटना मार्केट की दूसरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना शहर कोतवाली थाना इलाके के माड़क प्लाजा की है, तो वहीं मोबाइल संचालक ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों से भिड़ंत भी की। इधर मोबाइल दुकान में हमला करने के दौरान हुए शोर को सुनकर आसपास के और भी दुकानदार मौके पर पहुंच गए और आरोपी हमलावर पकड़े जाने के डर से लाठी डंडे लहराकर मौके से भाग निकले। हमले के पीछे मोबाइल संचालक का हमलावर आरोपियों से पुराना विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मोबाइल संचालक की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की खास। ये थाना कोतवाली में इसको लेके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन लोगों का पहले का कुछ लड़ाई झगड़े का मैटर था और इसमें आरोपी भी चिन्हित हो गए हैं। बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी।